Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study Constitution. तो दोस्तों Constitution क्या है, भारत का संविधान क्या है, Constitution को हम संविधान भी कहते हैं. Constitution constitute word से बना है जिसका मतलब होता है to make up और composition. A body of fundamental principles according to which a state or other organizations is acknowledged to be governed. अब ये तो basic definitions होती हैं जो कि हमारे books में होती हैं, but What is Constitution? ये basic दो questions हैं. What is to be done and how or in which way is to be done? For example, अगर हम किसी भी organizations, किसी भी legal firms या किसी भी universities में काम करते हैं, जैसे कि कुछ schools में या colleges में होते हैं कि 75% of attendance is compulsory, mandatory होता है. किसी भी legal firms की rules होते हैं कि you have to come by 9, 9 बजे से पहले आपको आ जाना है या 9 बजे तक आ जाना है. तो इसमें भी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे स्टेट्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्न किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्टेन रूल्स को कंटेन करता है जो कि बताते हैं रिलेशंस बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट. एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिलेशन बताता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी होता है 75% अटेंडेंस, तो इस आइडिया से पहले कोई आइडिया आया होगा, ये ऐसे ये रूल्स बनाते होंगे और फिर उस रूल्स को इंटरप्रेट किया होगा एंड फाइनली उस रूल को इन्फोर्स किया होगा. सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेजिस्लेटिव होती है विच मेक्स लॉज, जुडिशरी इंटरप्रेट लॉज एंड एग्जीक्यूटरी इन्फोर्सेज लॉज. नाउ अब जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमारे इंडिया का है, अमेरिका का है, स्विट्ज़रलैंड का है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे कि न्यूजीलैंड का है, सऊदी अरब का है, इज़राइल का है एंड मैनी मोर. जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. और जो मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सर हेनरी मैने ने दिया था जो कि ब्रिटेन के थे. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान बना कैसे. अगर 1947 मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो बेसिकली विल गो थ्रू द फोर डेट्स, मेनली फोर डेट्स. दैट इज़ फर्स्ट डेट इज़ 1934, एम एन रॉय गेव द आइडिया. एम एन रॉय ने सोचा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है और उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो उन्होंने इस आइडिया को दिया. फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी ऑफिशियली डिमांड करी एंड 1938 में फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने इसकी डिमांड करी और जवाहरलाल नेहरू सेड इट शुड बी फुल्ली इंडिपेंडेंट. 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो चुका था. अब बात करते हैं कंपोजिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. क्या कंपोजिशंस थे, कितने लोग थे, इन सब चीज़ों की बात करते हैं. तो सबसे पहले कितनी स्ट्रेंथ थी, तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो देर वर टोटल 389 मेंबर्स, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, 93 स्टेट्स थे. दोनों के दोनों खड़े हो सकते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी खड़े हो सकते थे और प्रिंसली स्टेट से भी खड़े हो सकते थे. नाउ देर इज़ अ ब्रिटिश प्रोविजन्स फॉर द डिवाइडेड इंटू 292 मेंबर्स, गवर्नर प्रोविजन्स एंड 4 चीफ कमिश्नर्स. तो ये था हमारा कंपोजिशंस. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टेड लोग भी थे एंड नॉमिनेटेड लोग भी थे. इलेक्टेड लोग जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली. अब इन सब चीज़ों के बाद इलेक्शन हुआ. इलेक्शंस होने के बाद कांग्रेस को टोटल 208, दैट इज़ 208 वोट्स एंड सीट्स मिले. मुस्लिम लीग को 73 वोट्स, अदर पार्टीज़ को 15 वोट्स और यू कैन से 15 सीट्स मिली. सो गाइज, एज आई टोल्ड यू कि फाइनल इलेक्शंस हुई, सीट्स भी मिली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तैयार हुई. अब क्वेश्चन था कि ये वर्क कैसे करेगा, व्हाट विल बी द वर्किंग. सो इसके लिए फाइनली फर्स्ट मीटिंग हुई 1946 में. सेकेंड मीटिंग थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1956 को, जिसमें प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एच सी मुखर्जी को. फिर फाइनली मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पास द ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स. अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या.
जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई टारगेट लेकर चलते हैं, एक एम होता है जिसे वी हैव टू अकॉम्प्लिश फुल्ली। वैसे ही उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले या फ्रेम करने से पहले इसको एक ऑब्जेक्टिविटी पे वर्क होना चाहिए, टिका होना चाहिए। एज एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट्स ओन फिलॉसफी, सो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले भी इसकी क्या फिलॉसफी होगी, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड ही सेड इट शुड बी बेसिकली बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी। एंड अगर आप हमारा प्रीएम्बल देखेंगे, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल एंड बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज। अब फर्दर प्रोसेस में डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कमिटी थी दैट इज़ ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और फिर फाइनली आफ्टर सो मेनी वोट्स बन के तैयार हो गया 2 years 11 months and 18 days में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो एज इफ 3 years minus 12 days, दैट इज़ 2 years 11 months and 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। एंड फाइनली ऑन 26 November 1949 को इट वॉज अडोप्टेड एंड इनेक्टेड, बट इट वॉज नॉट कम्प्लीटली अडोप्टेड। फाइनली ऑन 26 January 1950 को इसे कम्प्लीटली अडोप्ट किया गया था। 1928 को नेहरू ने एक रिपोर्ट सबमिट करी बाई मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था वी वॉन्ट डोमिनियन स्टेट, मतलब काम तो हम करेंगे बट आपके फ्लैग के अंदर, आपके झंडे के अंदर काम करेंगे, मतलब यू विल बी रूलिंग बट वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू अवर सेल्फ। हर 31 December को कांग्रेस जो थी वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करती थी, जिसमें वो चेक करते थे कि उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया और फर्दर ईयर में उन लोगों को क्या करना है। तो इस डोमिनियन स्टेट का सब अपोज करने लगे, जो यंग लीडर्स थे दे स्टार्टेड अपोजिंग कि नो वी डोंट वॉन्ट डोमिनियन स्टेट, वी वॉन्ट पूर्ण स्वराज, हमें कम्प्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अगेन 31 December 1928 को मीटिंग हुई एंड उन्होंने इस मीटिंग में ऐसा बोला, फिर फाइनली दे डिसाइडेड कि वी विल वेट फॉर 1 year, अगर एक साल में इस चीज़ को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं देन वी विल मैनेज विद द डोमिनियन स्टेटस, अदरवाइज इफ दे डोंट एक्सेप्ट वी वॉन्ट कम्प्लीट पूर्ण स्वराज। फिर आफ्टर फाइनली 1 year 31 December 1929 को लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन बहुत फेमस है दोस्तों, इट हेल्ड ऑन द रिवर बैंक एंड फाइनली ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। सो फाइनली 1930 को पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया एंड आफ्टर दैट एवरी ईयर 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज सेलिब्रेशन करने लगे। तो उसी डेट को 26 जनवरी को मेमोरेट करने के लिए वी अडॉप्टेड दिस डेट एज 26 January 1950 एंड दस इट इज़ ऑल्सो एज डेट ऑफ कमेंसमेंट। दोस्तों नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप डिस्कस करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, यूनिटरी है या क्वासी फेडरल है। As it is given in Article 1, Subclause 1, that India, that is Bharat, shall be a union of the state. मतलब हमारा जो भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है। It means कि basically ये federal है but इसमें कुछ striking unitary features भी है। So we will start with federal system. कि federal system आखिर होता क्या है, इसके features क्या है। हमारी दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक national, that is central level पे होती है national government, और एक state government होती है जो कि state level की होती है। तो two ways in which powers are divided between central and state, जिसमें powers जो है वो divided होती है between central, state, unitary and federal. Unitary में ये होता है कि जो powers होती हैं that is given to the national government by the constitution. तो basically आप ये बol सकते हो कि जो powers हैं government की वो centralized होती हैं और state government जो है वो subordinate to the central है. But in federal we have divisions of powers between central and state government both. मतलब कुछ पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है एंड कुछ पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल के। दिस सिस्टम इज़ अडॉप्टेड बाय यूएसए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो सबसे पहला फीचर है हमारा ड्यूअल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी में वी हैव नेशनल गवर्नमेंट, इन फेडरल एज आई टोल्ड यू कि नेशनल और फेडरल गवर्नमेंट एंड दूसरी गवर्नमेंट ऑफ ईच कॉम्पोनेंट स्टेट। इट मीन्स कि अगर हमारे राज्य सरकार हो, एक हमारी राज्य सरकार होती है, एक केंद्रीय सरकार होती है। राज्य सरकार विच मीन्स स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड केंद्रीय सरकार विच वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में क्या होता है कि जैसे हमारी सब्जेक्ट्स होती है तो बेसिकली तीन होती है, नेशनल जो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, स्टेट लेवल पे जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, और कंकरेंट लिस्ट। नेशनल गवर्नमेंट
जिन सब्जेक्ट्स को देखती है, जिन नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को देखती हैं, दैट इज़ गवर्न्ड, दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट. और जो सब्जेक्ट रीजनल इंपॉर्टेंस के होते हैं या स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंस के होते हैं, सो दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट. जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट विल सी द डिफेंस एंड ऑल, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो चेक करेगी हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल थिंग्स. सो नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस जो नेशनल गवर्नमेंट देखेगी, वो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स मेंशन होती है, और स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस में जो सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट देखेगी वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है. थर्ड फीचर इज़ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट सेज दैट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ सुप्रीम, इट इज़ एट द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स. नाउ पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, बस उनके पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है कि वो कोई ऐसे रूल्स बना दे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट करें. अगर ऐसे कोई रूल्स बनाते हैं तो जो फाइनल पावर होती है इट लाइज इन द हैंड ऑफ कोर्ट. कोर्ट जो होगी वो ऐसे लॉज को, ऐसे रेगुलेशंस को कम्प्लीटली नलीफाइड कर सकती है. सो नाउ वील टॉक अबाउट यूनिटरी फीचर्स. बिफोर स्टार्टिंग यूनिटरी फीचर्स, सो यू मस्ट नो कि जो दे कैन क्रिएट, इट कैन बी क्रिएटेड बाई लोकल सब डिविजन्स. ये जो लोकल सब डिविजन्स होती है इनको अथॉरिटीज़ दी जाती है, दे कैन इन्जॉय ऑटोनॉमी. लेकिन इनको जो पावर्स दी जाती है ये नेशनल गवर्नमेंट देती है, मतलब दे आर डेलीगेटेड पावर्स बाई द नेशनल गवर्नमेंट. द फर्स्ट फीचर इज सिंगल सिटीजनशिप. इंडिया एंड कैनेडा वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. इट मीन्स कि हमें बस एक सिटीजनशिप मिलती है, बट इन USA दे आर ड्यूअल सिटीजनशिप. मतलब हम जहाँ के हैं हम बस एक ही जगह के सिटीजनशिप मिल सकती है, ड्यूअल नहीं होगी वो. नो ड्यूअल सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स. इट मीन्स वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम. इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज़ एट द टॉप. स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. जैसे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी ऑर्डर से, दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ पावरफुल यूनियन गवर्नमेंट. हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है इट इज़ मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट. एज आई टोल्ड यू कि देर आर डिविजन्स ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट्स, बट लिमिटेशंस हैं ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में. जैसे अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन्स की बात करें तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि वो इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट लिस्ट की जितनी भी सब्जेक्ट्स होती हैं वो उनसे ले लेती है, एंड दे ऑल आर एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. इवन जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाती हैं, एंड दे आर गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट. एंड लास्ट वन इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. जैसे कि कोई भी फर्म्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स, कोई भी फंड्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है डिपेंडेंट ऑन यूनियन गवर्नमेंट, उनको कोई भी फंड का कोई भी अपना सोर्स नहीं होता. सो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से दे आर इंडिपेंडेंट ऑन, सॉरी डिपेंडेंट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट.